ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज से और अभी से हिलाना बंद कर देंगे। आप अपने अंदर झांक के एक बार देखो और सोचो और बोलो कि क्यों हिलाते हो, हिलाने से क्या मिलता है। भले ही थोड़ी सी मनोरंजन मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो आपको पछतावा ही होता है। लेकिन यही बात हिलाने से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि हिलाने के बाद तुम्हें कितना नुकसान होता है। मेरे दोस्त, एक बात समझ लो, ये हिलाने में कुछ नहीं लिखा गया है, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होता है। जब भी मन करे हिलाने का, तो तुम एक बार अपने मन को शांति करो, अपने आँखों को बंद करो और अपने बारे में सोचो कि हिलाने के बाद क्या होती है। भले ही कुछ देर के लिए आपको अच्छी लगती है, मनोरंजन हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो पछतावा होती है, वह पछतावा को पहले ही सोच लो। आप कुछ मिनट में हिलाकर अपने अंदर से वियर्ड तो निकाल लेते हो, लेकिन आप जानते हो उसे बनने में कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। आप थोड़ी सी मनोरंजन के लिए कुछ मिनटों में अपने अंदर से वो वियर्ड को निकाल देते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि उसे बनने में आपके शरीर में कई दिन लग जाते हैं। हिलाने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। भले ही आधा घंटा, एक घंटा के लिए तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन जब एक घंटा, दो घंटा गुजर जाएगी, तो तुम्हारा मन फिर से हिलाने के लिए आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि हिलाते हिलाते तुमको आदत बन चुकी है, लत लग चुकी है। आज तुम्हारे चेहरे पर जितने भी पिंपल है, वह सारे के साले हिलाने के वजह से ही आए हैं। आज तुम्हारा शरीर नहीं बन रहा है, पतले होते जा रहे हो, हड्डियाँ कमजोर होते जा रही है, नींद आती है, काम करने में आलस आती है। ये जितने भी समस्या है, ये पूरे हिलाने के वजह से होती है। शीशा के सामने जाओ और अपने चेहरे को देखो, क्या तुम्हारा चेहरा पहले जैसा चमकती है? तो नहीं, आज वह चेहरा मुरझा गई है, और पूरी की पूरी हिलाने के वजह से। तुम्हारा शरीर में खाना नहीं लगता है, तुम पतले होते जा रहे हो, तुम्हारा शरीर में खून की कमी होती जा रही है, हड्डियाँ कमजोर होती जा रही है, बाल झलते नजर आ रहे हैं, आँख की रोशनी कमती नजर आ रही है, दिमाग बहुत कम चलता है, यहाँ तक कि कोई भी काम करने में आलस आ जाती है, कमजोरी फिर आने लगती है, शरीर में दर्द होती है, नींद बहुत आती है, इतना सोने के बाद भी नींद आने लगती है। तो जितने भी समस्या है, सारे के साले हिलाने के वजह से ही होती है मेरे दोस्त। अगर तुम आज से और अभी से ही हिलाना बंद कर देते हो ना, तो धीरे धीरे आपका शरीर में बदलाव आ जाएगी, आपकी आँख की रोशनी बढ़ने लगेगी, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, आपकी शरीर की हड्डियाँ मजबूत होने लगेगी, आपका दिमाग तेजी से काम करने लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, काम करने में जो कमजोरी होती थी वह कभी नहीं होगी, यहाँ तक कि काम करने में मन लगने लगेगा, आलस नहीं आएगी, चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी, आपके शरीर के जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे मजबूत होने लगेंगे, और आपका एक अलग ही लुक बदल जाएगी, आपके चेहरे चमकने लगेंगे, बाल चमकने लगेंगे, और एक समय आएगा कि तुम एक मजबूत आदमी बन जाओगे। तो आज से और अभी से ठान लीजिए कि मुझे नहीं हिलाना है। जब भी हिलाने के लिए आकर्षित होइएगा, तो आप चुपचाप अपने मन को शांत करके मन वध 2 मिनट के लिए रख लीजिएगा, या आप मार्केट में कहीं निकल जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ 2 मिनट 5 मिनट बातें कर लीजिएगा। जैसे ही आपका मन आकर्षित से चेंज होगा, तैसे ही अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, अपने कामों में, अपने पढ़ाइयों में फोकस कीजिए, वैसे मैं आपके हमेशा साथ हूँ। इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ दिनों में एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।